Hi, good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Class in the meeting. My class with you guys, sir. Yes, yes, sir. All right, so we were doing chart work, and in chart work we were finished the first type of questions and running fix. Yes. यस सीएमजी सीटीएस खत्म कराया अभी रनिंग फिक्स का है आप कराओगे रनिंग फिक्स नहीं किया हमने कर लिया है वो 5048 आप कह रहे हो 47 पे प्रैक्टिस करने के लिए बोला था आपने ना कराओगे अब भी करते हैं रनिंग फिक्स इज गोइंग टू बी डन विद सो मेनी थिंग्स तो रनिंग फिक्स के दो तीन क्वेश्चन हो गए तो बहुत हो गया क्योंकि बहुत बहुत प्रैक्टिस होगी उसकी सो लेट्स डू दैट करो एक आंसर बताना वो आपने होमवर्क दिया था 1K5047 अभी एक सेकंड हाँ जी बताइए क्या आंसर है 1K का आप बताएंगे सर सीएमजी 118 आई सीटीएस 103 नहीं नहीं नो फर्स्ट 2000 की पोजीशन बताइए सर 59.3 ओके 004 16.3 No, wrong. Okay. Sir, 51.7. Nil, how to plot that nil intercept? That's why this was kept like that. Sir, वो बीच जैसे वो बीच से ही चली गई DR position के. सही बात है. नहीं. बिल्कुल बीच से ही चली जाएगी. चलिए मैं क्या करता हूँ? मैं आपको आंसर दिखाता हूँ. तो आप इसके बाद एक बार फिर अटेम्प्ट करिएगा देखिएगा कहां गलती होती है नहीं तो डोंट इरेज इट एंड शो इट टू मी तब बात करेंगे ठीक है लेट मी शो यू आंसर वन मोर टाइम ये आंसर होना चाहिए आई एम श्योर किसी न किसी का तो मैच हुआ ही होगा ये आंसर लैटिट्यूड आपका ठीक था लेकिन लॉन्गिट्यूड में थोड़ा सा फर्क है क्या गलती है इसमें यहाँ देखिए जरा व्हाट इज द मिस्टेक देयर इज नो मिस्टेक दिस लाइन इज एक्स्ट्रा शुड नॉट बी देयर दिस इज रिटन ट्वाइस होना चाहिए All right, let's go to the next question, which is running fix. क्या बताया था आपको? Running fix has no fixes, draw parallel to first bearing. Running fix has no fixes, draw parallel to first bearing. So let's look at the running fix question and जल्दी से करते हैं उसको. This is also in second minute. ये थोड़ा simple हो गया आपके लिए. Let's do this. Let's do this question. Very simple और फिर थोड़ा सा इसको change करेंगे. Hartland Point Lighthouse was seen 4 points on starboard bow. Thank you.
बंद करूं हो गया, शेयरिंग बंद कर रहा हूं। ओके यस सर। हाँ जी, जब भी, क्योंकि ये पहला है, मे बी देयर विल बी मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप, जब भी एंगल ऑन द बाव, एंगल ऑन द स्टर्न, ये कुछ भी दिया होता है, ऑलवेज मेक अ डायग्राम ताकि गलती ना हो। सो क्या डायग्राम, वो मैं अभी बना के दिखाता हूँ कागज पे, उसके बाद में उसको ट्रांसफर करना है चार्ट पर। आर्टलैंड पॉइंट वो सीन 4 points एंड शी वाज स्टीयरिंग 045। तो ऐसे शिप की शेप बनाइए और चारों डायरेक्शन लिखिए। अगर ये 045 है ऐसे, तो ये होगा 225 और ये 135 और ये 315। हमेशा कहीं पे ऐसे डायग्राम बने। अब क्वेश्चन पढ़िए, वो सीन 4 points, यहां से लेकर यहां तक 8 points होते हैं, यहां से लेकर यहां तक 32 points होते हैं, तो 4 points इसके बीच में होगा। ये अगर 90 था तो 4 point 45, 45 plus 45, तो ये डायरेक्शन होनी चाहिए 090 was 4 points on starboard bow and in 1 hour was 4 points on starboard quarter. Remember ये beam है, ये quarter है, quarter का मतलब ऐसे। अभी तो ठीक है क्योंकि ये 45 degrees है, इस 90 में से 40 इधर या 40 इधर, लेकिन 2 point होता है तो गलती हो सकती है। क्वार्टर इज फ्रॉम द स्टर्न, सो ये 45, अगर ये 45 है तो वी आर गोइंग एंटी क्लॉकवाइज, दिस वाज क्लॉकवाइज, सो 45 प्लस 45 90, 245 माइनस 45, दिस डायरेक्शन इज 180। तो अब बन गई बात, वन बेयरिंग इज 080, फर्स्ट बेयरिंग इज 090। अब ये क्वेश्चन किताब में या चार्ट पर कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल आसान हो जाएगा ताकि इसमें कोई गलती ना हो। आर्टलैंड पॉइंट, ये रहा आर्टलैंड पॉइंट, वाज 45, दैट मींस दैट्स द फर्स्ट बेयरिंग 090 ये वाला, एंड दैट्स द सेकंड बेयरिंग 180। शिप ऐसे जा रहा होगा तभी तो उसका बेयरिंग 180 होगा। पुट योर कोर्स एनीवेयर 045 एंड व्हाट्स द स्पीड 12, तो यहां से 12 मील काटिए, इनका डियर और इनसाइड और आउटसाइड। रनिंग फिक्सेस नो फिक्सेस, ड्रॉ पैरेलल टू फर्स्ट बेयरिंग, फर्स्ट बेयरिंग था ये वाला, ये रही फिक्स, ये रहा सीएमजी एसएमजी। अब इसमें करंट है ही नहीं, तो इसमें चाहे आप सीटीएस का निशान लगाइए, चाहे एक एरो चाहे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब पीपल से करंट है तो सही, लेकिन उसकी वैल्यू जीरो है तो ये कोर्स मेट गुड हो गया। सब पीपल से करंट आई नहीं तो ये सीटीएस है, वो भी ठीक है। जल्दी से करिए, एक मिनट के अंदर, 2-3 मिनट में क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेडी। सर 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 एक बार सर, एक बार ये वापस से 90 डिग्री और 35 डिग्री वाला सर बता दीजिए सर, एक बार और सर, एक बार और। यस सर। जब भी एंगल ऑन द बाव वगैरह लिखा होता है, ऑलवेज मेक अ डायग्राम। अभी अभी इस क्वेश्चन डायग्राम हो गया सर, वो समझ आ गया 090 और 180, उसके बाद सर ये प्लॉटिंग एक बार, उसके बाद, अरे उसके बाद तो बड़ा सिंपल है, ये तो कर चुके हैं, ये आर्टलैंड पॉइंट। सर सर एक बार शुरू से बता दीजिए सर, ये तो कुछ पहले नहीं पढ़ा सर। जब भी एंगल ऑन द बाव वगैरह लिखा होता है, ऑलवेज ड्रॉ द शेप ऑफ द शेप एंड मेक श्योर दैट यू डूइंग इट करेक्टली। ये बड़ा सिंपल है क्योंकि 045 है। अगर मैंने 315 कोर्स लिख दिया होता तो दिक्कत हो सकती थी। अभी करेंगे, अभी 045 को 310 320 ऐसे कुछ करके देखेंगे। अभी का अभी राइट, फर्स्ट लर्न इट लाइक दैट। सो ये हेडिंग इज लाइक दिस, सो दिस इज 045। अगर ऐसे 05045 है तो उसके पीछे क्या होगा, 180 डिग्रीज, और ये क्या होगा 45 से 90 डिग्रीज प्लस 135। और अगर ये 135 है तो ये क्या होगा, उसका उल्टा 315, और इन अदर वर्ड्स 225 में 90 जोड़ेंगे तो क्या होगा 315। जब भी बेयरिंग ऑन द बाव ये वो दिया हो, पहले ऐसे बनाइए, गेट द करेक्ट बेयरिंग्स,
फिर उसके बाद में प्लॉट करिए. नाउ द क्वेश्चन इज इट वाज 4 पॉइंट्स ऑन स्टारबोर्ड बॉ. सो यहां से लेकर यहां तक 8 पॉइंट है. 4 पॉइंट कहां होंगे बीच में. ये 91 पॉइंट होता है 11 एंड अ क्वार्टर डिग्रीज. तो 4 पॉइंट्स क्या हो गए 44 और 45. तो 45 डिग्रीज इसमें ऐड करूंगा. ये 45 था ये 45 तो ये डायरेक्शन क्या होनी चाहिए 90 ऑन द बाउ क्लॉकवाइज फ्रॉम बाउ ऑन द क्वार्टर एंटी क्लॉकवाइज. स्टारबोर्ड साइड में था पोर्ट साइड में होता तो क्लॉकवाइज जाते. स्टारबोर्ड साइड में है तो एंटी क्लॉकवाइज. दिस बीइंग सेम 45 डिग्रीज 45 फ्रॉम 225 से माइनस किया ये बेरिंग आ गया 180. अब दोनों बेरिंग हो गए मेरे पास 090 एंड 180. हाँ जी बता. बोलो अभी फोन करेंगे थोड़ी देर में. हाँ जी. सो दो बेरिंग आ गए 090 एंड 180. नाउ यू प्लॉट इट ऑन द चार्ट. ये था आपका हार्टलैंड पॉइंट. लेट्स मेक इट हियर. ये हार्टलैंड पॉइंट सपोज पहला बेरिंग 090 शिप इज गोइंग लाइक दैट. नेक्स्ट बेरिंग 180 शिप इज गोइंग लाइक दैट. सो जब यहां पहुंचे this is 45 degrees on the starboard bow. Jab yahan pahunche is 45 degrees on the starboard quarter. That's what it said. So dono bearing aa gaye. Put the 45 degrees course anywhere. And since it is 1 hour and the speed is 12 knots, cut 12 miles from here. Ye yahan kaat sakte hai, yahan kaat sakte hai. Let's say it cuts here. Draw parallel to first bearing. Ye aa gayi fix. आगे दूसरी फिक्स. व्हाट इफ इट हैड कट हियर. अगेन ड्रॉ पैरेलल टू फर्स्ट बेयरिंग. तो फिक्स आती है कौन सी दूसरी और ये आती पहली. गॉट इट सर. अब यही क्वेश्चन प्लॉट करेंगे आंसर आएगा. अब यही क्वेश्चन होता है वेसल बस स्टीयरिंग 310. सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूं आपसे. सो 310 दैट मींस व्हाट. फर्स्ट ड्रॉ द शेप ऑफ 310 अप्रोक्सीमेटली. ये है 310. इसमें से 90 माइनस किया ये क्या होगा 220. फिर 90 माइनस किया इसमें से क्या हो गया 130. फिर 90 माइनस किया. आप चेक करिए गलती तो नहीं हुई. ये 40 और 90 130 और 90 220 और 90 110 ठीक है. अब बिल्कुल वही क्वेश्चन होता. फर्स्ट बेयरिंग वाज इंस्टेड ऑफ 4 पॉइंट्स सपोज वाज 2 पॉइंट्स. सपोज इट वाज 2 पॉइंट्स. सो 2 पॉइंट्स इज 11 एंड अ क्वार्टर डिग्री. सो वाई बाय सो 11 एंड अ क्वार्टर 22 डिग्री. तो ये बेयरिंग क्या होना चाहिए 22 डिग्री. मतलब ऐसे 300 बाय 110 प्लस 22 300 2 पॉइंट्स बोला मैंने 11 एंड अ क्वार्टर इनटू 2 22 22 इसमें जोड़ा राइट हैंड साइड जा रहा हूं ऐसे क्लॉकवाइज. सो 310 प्लस 22 22 332 एंड अ क्वार्टर एंड 2 पॉइंट्स ऑन दिस साइड दैट मींस दिस इज 22 एंड हाफ डिग्री. कैसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज. 130 माइनस 22 22 23 107 degrees. अब ये प्लॉट पे प्लॉट करते हैं. ये रहा हार्टलैंड पॉइंट. पहला बेयरिंग 332 उल्टा है
क्योंकि प्लान पे आएगा, बट वी नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. वी कुड हैव डन इट लाइक दिस. इसका बेयरिंग 332 है, मतलब व्हाट दिस शुड बी नॉन. सपोज इट वाज वन पॉइंट सोर्स पे लाइट वेसल होती तो 332 कैसे होता. ये है पहला बेयर और 107 ये है दूसरा. अब इसके बीच में आप अपना कोर्स लगाते हैं, व्हाटएवर यू वाज स्टीयरिंग, एंड ड्रॉ पैरेलल टू फर्स्ट बेयरिंग, कट द डिस्टेंस, ड्रॉ पैरेलल टू फर्स्ट बेयरिंग. ये आ गई फिक्स. ओके अब करिए जल्दी से. तो मैंने अभी करंट डाल देना है इसमें. बताइए हो रहे हैं टैली कि नहीं. यस सर हो गए सर. नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बेटा, टाइम नहीं है हमारे पास. आई डोंट नो व्हाट टू डू. यू गॉट ओनली आज पहली तारीख होगी, बाकी दिन कितने हैं. 10 क्लास 10 दिन मुश्किल से है. 10 दिन में मेरे को 5 या 6 क्लास हो जाएंगे और क्या हो जाएगा. हैज योर नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बिल्कुल से मिला. आई शुड नॉट हैव द नीड टू टेल यू एनीथिंग. You should be able to give me answer in 3-4 minutes.
सर प्लॉटिंग के टाइम पर जो इसमें पहला आर्क वो बनाते हैं सर, वो कट 10 नॉट्स के दोनों पे मारते हैं सर क्या प्लॉटिंग में? बिल्कुल, जितनी देर होगी ना, सपोज 45 मिनट्स बोलता तो दैट 10 नॉट्स के हिसाब से 45 मिनट में कितना डिस्टेंस आता? जैसे 090 एक रहेगा और एक 180 रहेगा, उस पे 10 नॉट के एक एक 10 नॉट 10 नॉट का 10 माइल का 10 माइल का आर्क मार देंगे, उनको जॉइन कर देंगे वही पोजीशन पे। पहले 045 कोर्स लगाएंगे बेटा, उस पर काटेंगे 10 माइल डिस्टेंस, तो कोर्स सीटीएस पे लगाएंगे ना, सीटीए दोनों बेयरिंग लग गए, उसके बाद में 045 लगाया कोर्स, उस पर 10 माइल काटेंगे। ओके शिप चला है ना 45 पर, वो तो बेयरिंग है, जब शिप चलता है तो बेयरिंग साइड में से तो चीजें निकलती जाएंगी ना, किसका बेयरिंग चेंज होता रहेगा। सो देयरफॉर 045 एट 10 नॉट्स अगर डिफरेंस 1 घंटे का, तो 10 मील काटेंगे 045 पर स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट बेयरिंग। शेयर हो रहा है क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाऊं, देख पाएंगे? हाँ शेयर हो रहा है, बंद करते हैं। ध्यान दीजिए, ये था 045, यहाँ से जितनी देर लगी, यहाँ से यहाँ जाने में 1 घंटा लगा था 10 मील, अगर 10 नॉट है, यहाँ से यहाँ जाने में अगर आधा घंटा लगा तो 6 मील काटे। And then draw parallel to first bearing. Yes, तो ये bearing है, ये 045 आपका force था, इसके ऊपर आपने 10 मील या 6 मील इस पर काटा, depending upon ये 1 घंटे का था कि आधे घंटे का सर। वो दोनों कैसे ज्वाइन हुए सर, जो आपका ये वाले हैं दोनों साइड्स 090 और 180? ध्यान नहीं दे रहे बेटा, ध्यान नहीं दे रहे हो बिल्कुल, कैसे चलेगा काम? बेयरिंग किसका है, लाइट का है ना, ये पूछ रहे हो? हाँ सर। तो बेयरिंग लाइट का है ना, 090 लाइट का, अब 045 कितनी देर लगी, उतना डिस्टेंस काटिए, यहाँ कहीं पर भी लगाइए लाइट, क्या होगा ये यहाँ काटेगा या यहाँ काटेगा? अगर यहाँ काटेगा और अगर यहां काटेगा, यस ड्रॉ पैरेलल टू फर्स्ट बेयरिंग। करंट भी तो लगाएंगे ना सर इस क्वेश्चन में, मैं तो पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इसमें तो करंट भी लगाएंगे ना, इसमें तो करंट लगाएंगे ही ना, विंड है तो विंड भी, करंट है तो करंट भी, वो तो कर चुके हैं हम। इसमें भी बेयरिंग वही है, ध्यान दीजिए बेयरिंग वही है, देन व्हाट डज ही से, फाइंड द शिप्स पोजीशन इफ द करंट सेट्स नॉर्थली, उसमें 12 नॉट थी, इसमें 10 नॉट है, तो 045 ऐसे लगाया मैंने, 10 मील यहाँ पे काटा, करंट ये रहा नॉर्थली, 3 माइल यहाँ पे काटा, तो ये क्या आ गया? अब कागज पे मैंने सीएमजी एसएमजी लिख लिया कि नहीं, वैल्यू आ गई कि नहीं, यहीं से आ गई। अगर विंड नहीं है तो ऐसे, अगर विंड है तो लीवे ट्रैक होगा, विंड है नहीं है, इज़न्ट इट, नहीं है। अगर कुछ ना होता, मैं यहाँ से चल के ऐसे इंजन से ऐसे करके से यहाँ पहुंचना चाहिए था, विच इज एज गुड एज अगर डायरेक्टली यही फोर्स या यही स्पीड से draw parallel to first bearing, ये रही पोजीशन, ये था CMG, इसके पैरेलल वापस लगाइए, ये आ गई पहली पोजीशन। कर चुके हैं मुझे 5048 पे, ये सब भूलते जाएंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, एग्जामिनेशन हॉल में इधर उधर देखते रहेंगे कौन क्या कर रहा है, होगा कुछ नहीं उससे।
They have told me the answer. 045 जा रहे हैं करंट नजरली है तो CMG has to be less than 045. It's less. Speed has to be more. जो डायग्राम बनाए ऊपर ट्रायंगल में देखिए CMG वाली साइड CTS वाली साइड से पड़ी है तो ये 10 नॉट है ये 12.3 है और ये रही दोनों Are we sharing the answer? Yes. Share over. जल्दी करिए हो गया कि नहीं हो गया अंकल तेरी माँ की जो तुझन अच्छे अच्छे शब्द बोल बेटा क्यों अपनी माँ को गाली दे रहा है बाकी सब गोलर्स ने दुखी कर दिया है सर व्हाई कैंट गुड्स वर्ड्स कम आउट ऑफ योर माउथ व्हाई डू यू वांट टू अब्यूज योर ओन मदर I'm so sorry, sir. These telecallers have really. Chalo, never mind. Do your work. Sir, matching answers. Half a minute more. Next question. Sir, matching sir answers. हाँ बेटा अच्छी बात है. कोई पीछे रह गया उसके लिए रुका हूँ. Here's a question which came in second mate's paper. Let's do that. Not this one. वाला. ये सेकंड मेट का मार्च 2011 का क्वेश्चन है जल्दी से देखिए और करिए अब ऐसे बस दिखाया था बेटा आंसर भी दिखा दिए अगली बार दिखा देंगे अब ऐसे बस टीयरिंग 014 लेट्स डू दिस आज पहले का आंसर दिखा सकते हैं हाँ बता रहा हूँ बेटा बताया था लिखा नहीं आपने बाद में दिखाते इसको करिए लेट्स डू दैट फर्स्ट आंसर दिखा दूंगा जस्ट कीप इट हैंडी अभी दिखाएंगे वेसल वाज स्टीयरिंग 014 12 नॉट्स सीटीएस इंजन स्पीड दी हुई है 1300 आवर्स 070 1330 122 दो बेयरिंग दिए हुए हैं करंट वाज सेटिंग 065 3.5 नॉट्स फाइंड द वेसल्स पोजीशन रनिंग फिक्स हैज नो फिक्सेस ड्रॉ पैरेलल टू फर्स्ट बेयरिंग बड़ा सिंपल सा सेकेंड पार्ट भी है इसका रब मत करिएगा प्लॉट करने के बाद लिखिए फिर करिए सॉल्व
सर ये क्वेश्चंस की सॉफ्ट कॉपी मिल सकती है क्या सर हमको? नहीं नहीं बेटा, ये मेरे क्वेश्चन है, ये नहीं मिल सकते आपके पास। लिखा तो रहा हूँ, लिख रहे हैं ना आप, सॉफ्ट कॉपी क्या करनी है आपने, लिखिए कन्वर्ट करिए उसको। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सॉफ्ट कॉपी नहीं है बेटा, आप बनाओ अपनी व्हाट एवर यू लाइक।
सो दो बेयरिंग 070 एंड 122, उस पे सीटीएस लगाइए, करंट लगा, ये सीटीएस लगाने के बाद कट द डिस्टेंस फॉर हाफ एन आवर, देन करंट, देन ड्रॉ पैरेलल टू फर्स्ट बेयरिंग. बताइए सीएमजी एसएमजी पहले आएगा? जीरो टू फाइव सर सीएमजी. जीरो टू फाइव ठीक है. जीरो टू फाइव एसएमजी 14.4 और ये रही 13:30 की पोजीशन. 14.4 सर. हाँ जी, इरेज मत करिए. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कनेक्टेड विद दिस. सर एक बार बोर्ड पे बता सकते हैं प्लीज? इट्स रिपीटेशन ऑफ द सेम थिंग बेटा. I don't know what happened. ये कहाँ से आ गया? Traffic alert ये सब कहाँ से आ गया? हाँ जी, what can you see? Can you see my board now? Yes sir. Yes. All right. Heartland point. पहला बेयरिंग 070, प्लीज पे अटेंशन, बेयरिंग इज 070, ये रहा पहला बेयरिंग 1300. सेकंड बेयरिंग इज 122, 1330. ड्यूरिंग दिस टाइम शी हैज स्टीयर्ड 014 एट 12 नॉट्स. तो यहां से लेकर यहां तक 6 मील काट सकता हूं. And the current is setting
065 at 3.5 knots. So half an hour के लिए 1.75 काट सकता हूँ, तो इसको इससे जोड़ दूंगा तो CMT आ जाएगा. Okay, सर समझ में आ गई गलती सर. एक घंटे का सर 3.5 करंट काटा है सर, हाफ एन आवर का नहीं काटा. मुझे लगा सर वो हाफ एन आवर का ही दिया हुआ. सब हाफ एन आवर का ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक हाफ एन आवर. Why? एक घंटे में तो बेरिंग 122 थोड़ी रहेगा, तो आगे हो जाएगा. So therefore आधे घंटे में 122 हो ना, तो डिस्टेंस भी आधे घंटे का, करंट भी आधे घंटे. एंड ड्रॉ पैरेलल टू फर्स्ट बेरिंग. यस, ये वाली दूसरी फिक्स आएगी और ये जो नीचे काटेगी वो पहली फिक्स आएगी. जल्दी से आंसर लिख लीजिए, मैं आगे जा रहा हूं. सम पीपल हैव फिनिश्ड. CMG 025, SMG 14.4, 1330 की पोजीशन है. 1300 पूछा नहीं था इसलिए मैंने लिखी नहीं है. Here is the next part of the question. ये भी उसके साथ ही आया हुआ है, उसी क्वेश्चन में है, उसी क्वेश्चन में था. तो ये करने के बाद ये from 1330 hours position in A, मतलब ये ऊपर वाला क्वेश्चन. Vessel steer 053, speed 9 knots. If the current was now estimated to be setting northerly at 2 knots, find the CMG and time when bull point light house will be abeam. अब फिक्स दी हुई है, ये रही 1330 की फिक्स. वहां से ये लगाना है 053. क्या निकालना है? CMG, कोर्स मेड गुड, कोर्स फर्स्ट. ये हमने वन पहले टाइप के क्वेश्चंस में किया हुआ है, कोर्स मेड गुड एंड कोर्स टू काउंटरैक्ट करंट. 1330 की पोजीशन से ये CTS लगाएंगे इस स्पीड पर. टाइम नहीं दिया हुआ इसलिए एक घंटे का काटेंगे. सेट लगाएंगे नदरली और ड्रिफ्ट लगाएंगे 2 मील और एक घंटे का CMG SMG निकालेंगे. Vessel moves on CMG with the speed of SMG and the heading of CTS. तो bull point कब पास होगा या अभीम होगा, जो भी पूछा है, अभीम पूछा है. सर ये वाली पोजीशन 51.4.7 वहां से. हाँ, इट सेज नो फ्रॉम 1330 आवर्स पोजीशन. 1330 की पोजीशन ये नहीं ना, पहले पार्ट में 1330 की पोजीशन निकाली थी, वहां से कह रहा है.
045 SMB से. जीरो फोर थ्री आया सर. हाँ जी, फोर थ्री भी आ रहा है, फोर फाइव भी आ रहा है, सही बात है. सो जीरो फोर फोर 10.4 और 18.5 माइल्स डिस्टेंस है अभीम के लिए. 10.44 विल ब्रिंग यू देयर एट 15:19. चले आगे, निकली आंसर, जल्दी करिए, हाफ अ मिनट मोर, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है. सर ये 1330 की पोजीशन से सर कोर्स टू स्टीयर मार के उसके बाद इस पे करंट अप्लाई करके तब जो कोर्स आ रहा है सर वो तो गलत आ रहा है सर. 062 आ रहा मेरा तो सर. नहीं कैसे होगा बेटा, एक बार फिर एक बार बताएं. 053 बेटा, 053. हाँ सर 053 स्टीयरिंग एंड देन इस पे नॉर्दर्ली करंट 2 नॉट्स और सदर्ली लगाया होगा बेटा, देख तो सही. 053 से नॉर्थ जाएंगे तो सीएमजी हैज टू बी लेस देन 053, नॉट मोर. 62 कैसे आ जाएगा, आपने सदरली लगाया होगा. सर एक क्वेश्चन है सर. एक मिनट. 053 लगाएंगे उस पे करंट नदरली लगाएंगे तो सीएमजी हैज टू बी लेस देन 053 बच्चे, आपने सदरली लगाया होगा. हाँ जी पूछिए सर. ये जैसे आपका 18.9 माइल्स आ रहा है टू अ बीम पोजीशन. हाँ जी सर. मेरा 19 आ रहा है सर. इसमें हमारा कितना डिफरेंस सर चलता है हमारा. चिंता ही नहीं करनी है बेटा, 18.9 और 19 में कोई फर्क नहीं है, ये एक मिनट का फर्क भी नहीं आएगा. नहीं सर टाइम से बाकी सब सेम आ रहा है. कोई बात नहीं, वो चार्ट में फोटोकॉपी में डिस्टॉर्शन हो जाती है, उसकी वजह से हो सकता है, डिवाइडर की वजह से हो सकता है. अगर आपके डिवाइडर का पॉइंट शार्प नहीं है उसकी वजह से हो सकता है. दैट्स नथिंग. ठीक है सर, हो गया सर ये. ओके now let's go back to the question that you were asking answer for. Kya number tha? I think 2D tha sir. Yes, who was asking for answer of 2D? jaldi se likh lijiye 2A ka next. 2A to abhi chal hi raha tha sir. ye northerly lagaya sir current but nahi aa raha sir isse. abhi dikhata hu board pe bacche, abhi dikhata hu. टू डी का आंसर किसको चाहिए देख लीजिए, अभी दिखा रहा हूं बेटा बोर्ड पे, अभी दिखा रहा हूं जी सर. ये 1330 की पोजीशन आ सकती है कि नहीं, आ गई कि नहीं, वो टैली हो रही है. हाँ जी सर हो रही है सर. ये 1330 की पोजीशन
यहां से सी स्टीयर 053 लगा सकते हैं क्योंकि और 9 नॉट पे है, 9 नॉट पर तो 9 माइल काटेंगे, ठीक है सर। क्या होगी 1430 की डीआर? जी सर। करंट इज नदरली एट 2 नॉट्स। अब ध्यान से देखो, ये अगर 053 है तो इससे कम होगा, 62 ऐसे कैसे होगा बेटा, समझ रहे हैं? ये 053 है अगर ये वाला और ये 000 है तो ये डायरेक्शन क्या होगी, हैज टू बी लेस देन 053 ना, ये एंगल बाई तरफ है ना, तो दिस हैज टू बी लेस, तुम्हारा 062 कैसे आएगा, इस तरफ कैसे आ जाएगा बेटा, करंट साउथ लगाया हुआ तभी तो आया, आपने ऐसे कर दिया होगा इसके लिए तो आ रहा है, ऐसे थोड़ी करंट तो ऐसे है ऊपर। ओके सर, आई विल चेक अगेन, थैंक यू सर। Next question and the last question for running fix. और इसके बाद question लिखने के बाद tea break पे जाएंगे, आपने tea break चाय पीते पीते सोचना है, इसके बारे में बात करेंगे। Steaming at 14 knots by engine, a vessel bound for Bristol. Bristol is the end of the chart. Daini taraf chart band hai. It's a bay. So right end, jitna aap daini taraf ja sakte hai, wahan pe Bristol pilot station hai. Vessel bound for Bristol. Observe Lundy Island North Light. Ek island hai beech mein Lundy. 60 degrees on port bow at 2048. Just as it obscures. This light was visible again only at 2135 hours. If the current is known to set 330 degrees to at 4 knots, find A. मैंने जानबूझ के मिटा दिया है, देखेंगे उसको भी, क्या पता लगाना है ये। अच्छा क्वेश्चन है, आराम से लिखिए, then go on tea break, having tea, think about it, when we come back we will proceed further. अगर आपने निकाल लिया होगा आंसर, बड़ी अच्छी बात है, very nice. Cannot give you prize for it. Prize आगे वाले क्वेश्चनों में मिलेगा if you have done well. This is अच्छी बात है. अगर नहीं किया तो बहुत कुछ और मेहनत करने की जरूरत है. 3 महीने का चार्ट वर्क का कोर्स मुझे 3 हफ्ते में पूरा करने को कहा गया है. You have to also put in extra effort. हर हफ्ते चार्ट वर्क की 4 क्लासेस होती, 3 महीने तब जाके चार्ट वर्क खत्म होता है आपका. पता नहीं कितने साल करा चुका मैं, मेरे को मिले 3 हफ्ते, 3.5 हफ्ते, उसमें से 1 हफ्ते आपके पास चार्ट ही नहीं था. चलिए लिखिए क्वेश्चन, चाय पीते पीते सोचेंगे फिर आगे करेंगे बात.
क्वेश्चन लिख लिया, लेट्स टेक अ ब्रेक, 15 मिनट बाद मिलते हैं।